रोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। यूपी में कई यूपी को शर्मसार करने वाली कई घटनाएं सामने आती रही है और इस यूपी को लेकर ही हम एक खबर आपको बताने जा रहे हैं, दिल दहला देने वाली खबर और यूपी को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है यूपी के मऊ जिले से। दरअसल यूपी की एक लड़की को देह व्यापार के लिए बेचने की तैयारी थी और इस पूरे मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, यूपी पुलिस अपने साथ ले गई है। पूरा मामला जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रहा है, अखबारों में जो सुर्खियां हैं प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया गया है, उस मुताबिक उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की एक नाबालिग लड़की को देह व्यापार को लेकर बेचने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में यूपी पुलिस जयनगर पहुंची थी और स्थानीय पुलिस के सहयोग से पीड़ित लड़की को बरामद करते हुए मधुबनी की एक महिला व जयनगर बाजार में कार्यरत एक नाइट गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। तो बिहार से भी इसका कनेक्शन है, यूपी की लड़की थी और देह व्यापार के लिए इसको बेचने की तैयारी थी, मधुबनी के जयनगर तक इसको पहुंचाया गया और 5 दिन पूर्व घर से गुस्से में निकली थी और इस दौरान वो भटकते हुए गोपालगंज पहुंची, उसके बाद ट्रेन से मधुबनी होती हुई जयनगर पहुंची, रेलवे स्टेशन के बाहर भटक रही थी और पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्टेशन के बाहर अशोक मार्केट के पास नाइट गार्ड प्रमोद यादव ने उसको बहला फुसलाकर अपने कब्जे में कर लिया। यूपी पुलिस के एसआई आदर्श श्रीवास्तव ने भी बताया कि मऊ जिला न्यायालय में लड़की के बयान के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड के बाद बरामद लड़की व आरोपित को यूपी पुलिस अपने साथ ले गई। गिरफ्तार आरोपियों में छपरा गढ़ी गांव निवासी नाइट गार्ड व दरभंगा सुंदरपुर निवासी सह मधुबनी वसुआरा निवासी सोनू देवी हैं। तो इन पर आरोप है। तो एक बड़ा मामला, यूपी की एक लड़की को देह व्यापार के धंधे में धकेलने की तैयारी थी, बेचने की तैयारी थी, मधुबनी के जयनगर वो लड़की आई अपने घर से गुस्से में भागकर और उसके बाद वो निशाना बनने जा रही थी वैसे लोगों के, तस्करों के, और उसके बाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की, पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।